हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्री राय। वेलकम एट जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियोस में मैं जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से स्टडी करिए और उसके बाद ही आप राइट ऑप्शन लगाइए, ठीक है? पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करिए, फिर फाइनली आई विल टेल यू द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल। जो कॉन्स्टेबल्स होते हैं पुलिस भर्ती, आप जानते ही हैं, तो वो कॉन्स्टेबल्स के लिए कलेक्टिव नाउन के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए फटाफट, कम ऑन, जल्दी करिए। हरियप, तो इसके लिए जो सही वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बैच, है ना? तो आप देखते ना, कहते ना एक बैच अभी पास हुआ है, नेक्स्ट बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, तो लाइक दैट, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए आपका क्या है, एक बैच है, आप देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इमेज आप इस चीज को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल इज अ बैच, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टेबल इज एन ऑफिसर ऑफ द हना पीस हैविंग पुलिस एंड माइनर जुडिशियल फंक्शन यूजुअली इन अ स्मॉल टाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट? ये देखते हैं एक बैच है, ठीक है? कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है, इसको मैंने पहले वीडियोस में बता ही दिया है आपको। तो ट्रांजिटिव वो होता है जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है, जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है? ट्रांजिटिव मैंने बता ही दिया था, जैसे कि द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। जाहिर सी बात है कि जब ड्राइवर ने ट्रेन स्टॉप किया तो अपनी एनर्जी उसमें उसने ट्रांसफर किया। द मदर स्लैप्ड द चाइल्ड, माँ ने बच्चे को एक चाटा मारा। आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि माँ ने जब बच्चे को मारा इसका मतलब क्या, कि मतलब मदर की एनर्जी बच्चे में ट्रांसफर हो गई। तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। और इनट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव में क्या होता है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करता है सामान्य रूप से, सॉरी ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है उसमें, ठीक है? जैसे द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, है ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो डेफिनेटली जो राइट आंसर होगा कि वेट अ मिनट, राइट आंसर होगा नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक द नेटिव। नो वन कैन स्पीक द फ्रेंच लाइक नेटिव, नेटिव की तरह कोई भी व्यक्ति फ्रेंच नहीं बोल सकता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए उस तरह से उसका एक सेंटेंस भी है, आंसर भी है। द सेकंड सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब स्पीक हैज एन ऑब्जेक्ट, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच, है ना? प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच लाइक अ नेटिव स्पीकर, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच लाइक अ नेटिव स्पीकर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सेंटेंस एथलेटिक। देखिए ये वर्ड है, एथलेटिक जो वर्ड है ना, ये क्या है, एक्चुअली नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो बताइए राइट क्या होगा, ये क्या है एग्जैक्टली? तो डेफिनेटली जो राइट आंसर होगा वी हैव अ नाउन, एथलेटिक जो वर्ड है वो नाउन है, एथलेटिक जो वर्ड है ये वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है? सो द नेक्स्ट, देखिए आप देखिए वर्ड ये नाउन है, आप इसको इमेज से भी थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये देखिए कौन है, एथलेटिक है, तो जो एथलेटिक वर्ड है वो क्या है, नाउन है, ठीक है? इस इमेज को और अच्छे से आप देख लेंगे तो डेफिनेटली यू विल एनर्जाइज योरसेल्फ व्हेन यू विल सी एथलेटिक, हाउ हार्ड वर्किंग दे आर, हाउ एक्टिव दे आर, राइट, हाउ डिटरमाइंड दे आर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इन द सेंटेंस देखिए क्या है, In the sentence, I want to hear the story in details. तो देखिए इस वर्ड में जो details है, ये जो word details है, ये क्या है? क्या ये noun है? क्या adjective है? कि adverb है? Exactly क्या है? What it is, guys? Come on, everyone. बताइए क्या है? तो जो details है, ये word भी क्या है? Noun है, ठीक है? तो detail ये noun word है, आप इसको देख लेते हैं। बहुत सारे हमने नाउन की ढेर सारी हमने लिस्ट दे रखी है, आप एक एक वर्ड को अच्छे से आप लिख डालिए। जैसे आपका क्या है, बैकबोन है, ये भी नाउन है, क्लॉक है, ये भी नाउन है, आई बॉल जो आंख पर होता है ये भी नाउन है, स्केल्टन नाउन है, हेड नाउन है, स्माइल नाउन है,
फेस नाउन है, इन सारे वर्ड को आप क्या करेंगे है ना लिख लेंगे, हाउस ठीक है, हैमर, पार्क, लंदन ठीक है, अलादीन, जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो इसको आप मीन्स स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन जो होता है आपका क्लियर हो जाएगा। नाउन आप जानते ही हैं, कोई व्यक्ति हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई क्वालिटी हो, ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैनिया फॉर ट्रेवल, जैसे कुछ लोगों को ना ट्रेवल करने की मैनिया होती है, वो खूब ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, ट्रेवलिंग में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ मैनिया ऑफ ट्रेवलिंग। कम ऑन एवरीबॉडी, तो मैनिया फॉर ट्रेवल को क्या कहते हैं, आप पहले आंसर को सेंड करिए एंड गाइस पूरा का पूरा आंसर देने की कोशिश करिए, मैं आपको एक एक कमेंट्स को बहुत अच्छे से देखूंगा। तो डेफिनेटली होता है ड्रोमोमैनिया होता है, ड्रोमोमैनिया जो होता है ना एक्सट्रीम डिजायर टू ट्रेवल, जैसे कुछ लोग घूमने की जो तीव्र इच्छा होती है इसे ड्रोमोमैनिया कहते हैं। ठीक है, देखिए एक आपको इमेज भी मिल गया सुंदर सा है ना, तो ड्रोमोमैनिया को आप समझ सकते हैं और बेहतर ढंग से। ठीक है, देखिए ये ड्रोमोमैनिया है, आप देख सकते हैं कि दिस पर्सन हैज ग्रेट इंटरेस्ट इन है ना विजिटिंग न्यू प्लेसेस। तो ड्रोमोमैनिया क्या होता है, एन अनकंट्रोलेबल इंपल्स आर डिजायर टू वांडर आर ट्रेवल, मतलब कहीं भी घूमने और टहलने की तीव्र इच्छा जो होती है उसे ही हम ड्रोमोमैनिया कहते हैं। ठीक है, इस इमेज को थोड़ा और बड़ा करके आप देख लेंगे तो आपका इंटरेस्ट लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। ओके, लेट्स मेक दिस इमेज अ लिटिल ब्राइटर। ओके, ड्रोमोमैनिया, इस वर्ड को आप विथ डेफिनेशन तुरंत का तुरंत सेंड इन अ कमेंट, आप कमेंट में सेंड करिए प्लीज, एंड प्लीज डू इट फास्ट। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल, एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल, कोई जानवर की कहानी जिसमें नैतिकता भरी हुई हो। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप बताइए पहले फिर मैं बताता हूं क्या होगा एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया है और आप बता ही लेंगे, फेबल होता है। क्या होता है फेबल, तो फेबल वो होता है जो कहानी जानवरों के माध्यम से आपको बताई जाती है। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी फेमन, जैसे कि 12 लाइफ लेसन फ्रॉम है ना ए स्पेस फेबल। ठीक है, तो ये जानवर कहानी जैसी बुक्स वगैरह होती है जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, उससे बच्चे बहुत सारी नैतिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, वह व्यक्ति जो यह विश्वास करता हो ईश्वर ही सब कुछ है और सब कुछ ही ईश्वर है, उसे क्या कहते हैं। कमऑन एवरीवन, तो उसे कहते हैं आई थिंक पैंथिस्ट कहते हैं, पैंथिस्ट विल बी द राइट आंसर, पैंथिस्ट। तो व्हाट इज अ पैंथिस्ट, व्हाट इज पैंथिज्म, ये देखिए पैंथिस्ट है, आप वर्ड को भी देख सकते हैं अच्छे से पैंथिज्म, और पैंथिज्म की डेफिनेशन भी आप इसको देख लीजिए कितना बेहतरीन पैंथिज्म है, द बिलीफ दैट द यूनिवर्स एंड नेचर आर डिवाइन, है ना, यह वह विश्वास कि यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड क्या है, वो प्रकृति क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या है, ईश्वर की दी हुई चीज है, ईश्वर की दी हुई गिफ्ट है। ठीक है, इट फ्यूजन रिलीजन एंड साइंस एंड कंसर्न विद द ह्यूमन विद द कंसर्न विद द नेचर, और यह किससे जुड़ा हुआ है, यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं पैंथिज्म। ठीक है, एक डेफिनेशन इसलिए दे देता हूं कि अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ती चली जाए। ठीक है, किसी भी वर्ड के प्रति। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, जैसे कुछ लोग किसी से प्रेम करते हैं लेकिन सीरियस इंटेंशन के साथ नहीं करते हैं, मतलब वो जैसे होते हैं ना, बस एंजॉय करते हैं, स्माइल करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, साथ में खाते पीते हैं, भूल जाते हैं। तो कभी कभी लोग ऐसे ही लोग ज्यादातर किसी न किसी के साथ इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इस वर्ड को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप बताइए एज अ टेस्ट आपका ये बात पूछ लेता हूं, पहले आप आंसर दीजिए फिर फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर। कम ऑन एवरीवन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलांडर होगा। फिलांडर जो होते हैं उनका जो सीरियस इंटेंशन नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए सीरियस इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है,
तो वो होते हैं फ्लैंडर। फ्लैंडर का नेचर क्या होता है, देखिए मैं आपको एक यहाँ एक इमेज के माध्यम से समझा दे रहा हूं। तो देखिए ये क्या है, फ्लैंडरर है। तो क्या लिखा है, ईट्स, खाते हैं साथ में, चीट्स, फिर क्या करते हैं, फिर ईट एंड चीट्स करते हैं, चीटिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, लीव कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आप एक फ्लैंडर व्यक्ति का करेक्टर होता है, वो कहते हैं यानी ईट करते हैं साथ में चीट करते हैं फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें लीव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोज्ड टू अ ग्रेट और सजेंट चेंज, किसी चीज को तुरंत परिवर्तन एक्सेप्ट ना करने वाले व्यक्ति को। कम ऑन, ये भी मैं एक बार क्वेश्चन बता चुका हूं, पहले आप बताइए, आई थिंक बता लेंगे आप। तो डेफिनेटली वो लोग होते हैं कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं, इस तरह के कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव हिंदी होता है संकीर्ण विचारधारा के लोग। देखिए कंजर्वेटिव की भी बहुत सारी मीनिंग आपके सामने हैं, जैसे क्या होता है कंजर्वेटिव, ड्राई, राइट विंग है ना, रिएक्शनरी, राइट विंगर, तो ये होते हैं कंजर्वेटिव टाइप के लोग। अब गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जिसे आपको करने होंगे। ठीक है, तो एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ्लुएंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एफ्लुएंट वर्ड, कई बार मैं करा भी चुका हूं और जो थोड़ा सा प्रयास करेगा वो कर ही लेगा। तो बताइए क्या होगा एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है। तो एफ्लुएंट मीन्स होता है धनी है ना, रिच भी होता है, प्रॉस्परस होता है, वेल्दी होता है। ठीक है, डब्ल्यू ई ए एल टी एच वाई होता है, वेल्दी होता है, प्रॉस्परस होता है। ठीक है, देखिए ये आई एम प्रॉस्परस, आर यू प्रॉस्परस, नो आई एम नॉट प्रॉस्परस, ट्राई टू बी अ प्रॉस्परस पर्सन, हाउ प्रॉस्परस यू आर, राइट, ट्राई टू बी प्रॉस्परस पर्सन, राइट, वेल्दी पर्सन, आर यू वेल्दी, ही इज वेल्दी, शी इज वेल्दी, दे आर वेल्दी, ऑल आर वेल्दी। ठीक है, कम ऑन एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। लिंप मीन्स क्या होता है बच्चों, लिंप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंप, कम ऑन एवरीवन, लिंप का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट। तो लिंप का मतलब होता है फाल्टर होता है, क्या होता है फाल्टर। किसी भी वर्ड को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसे कई बार बोलिए, कई बार लिखिए, कई बार समझिए और बोलते जाइए, लिखते जाइए, वो याद। लिंप मीन्स क्या होता है फाल्टर, लिंप मीन्स क्या होता है फाल्टर, लिंप मीन्स क्या होता है फाल्टर होता है। ठीक है, लिंप मीन्स फाल्टर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वो, अब देखिए फाल्टर के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। फाल्टर मतलब गड़बड़ वेवर होता है, स्टम्बल होता है, हेजिटेट होता है, स्टैमर होता है, स्टलर होता है, टॉटर होता है, वैसिलीट होता है, स्टैगर होता है, ये सारे वर्ड उसके सिनोनिम्स हैं। और आप थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा हल्का जरूर है लेकिन आप जूम करेंगे थोड़ा समझ में आएगा, तो इसको जरूर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्रीक्वेंट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट का अर्थ क्या होता है बताइए। तो इनफ्रीक्वेंट का अर्थ होता है समटाइम्स, इनफ्रीक्वेंट का अर्थ होता है sometimes, infrequent का अर्थ होता है sometimes। ठीक है, तो infrequent की मीनिंग भी हम लोग और समझ लेते हैं। देखिए infrequent की कई मीनिंग दी गई है, rare, rare माने होता है कभी कभी, rarest, जैसे कहते हैं you are the rarest of the rare person in the world, आप जैसा बहुत कम इंसान है दुनिया में। ठीक है, uncommon है ना, sporadic होता है, unusual होता है, scarce होता है, occasional होता है, irregular होता है, isolated लेटेड होता है, स्कैटर्ड होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आप हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैस्कर मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्कर, मैस्कर का अर्थ क्या होता है। तो मैस्कर का अर्थ होता है स्लॉटर, क्या होता है स्लॉटर, स्लॉटर्ड एनिमल, आप जानते हैं बीच में गवर्नमेंट ने स्लॉटर हाउसेस जितने बधशाला थे है ना उनको बंद कर दिया था है ना। नेक्स्ट आप देखिए स्लॉटर, आप देख सकते हैं स्लॉटर मतलब जलिया बाग वाला कांड जो था यही मैस्कर है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में ये जलिया वाले बाग कांड का एक इमेज है, वेयर थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड, आप इस इमेज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं बहुत सारे लोग जलिया वाले बाग कांड में मारे गए थे। तो मैस्कर ऑफ जलिया वाला बाग कांड, मैस्कर ऑफ जलिया वाला बाग कांड, दो तीन बार लिख करके भेजिए आप। And in that massacre, lots of people were killed. बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है? तो this is the massacre of जलियांवाला बागांड। ठीक है? अगला क्वेश्चन है बैलेटाइल। तो बैलेटाइल मीन्स क्या होता है?
बताइए, आप पहले आंसर सेंड करिए, कोशिश की फिर मैं बताता हूं। तो वोलेटाइल मींस होता है डिस्पैरेज होता है। वोलेटाइल मींस क्या होता है? डिस्पैरेज होता है। देखिए वोलेटाइल के बहुत सारे मीनिंग आपके सामने हैं, इन सारे वर्ड को जूम करके आप इसको लिख लीजिए। जैसे देखिए वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल मींस क्या होता है? डिस्पैरेज, जो भी बताया हूं मैं, मिनिमाइज होता है, डीरोगेट होता है, डी डेनिग्रेड होता है, डेप्रिसिएट होता है, डेप्रिकेट होता है, डिमिनिश होता है, डिक्राई होता है, रन डाउन एंड डिट्रैक्ट होता है। देखिए इतने सेंस होते हैं, वन वर्ड हैज मेनी मीनिंग्स, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, तो सारे मीनिंग्स को आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवाइज मीन्स क्या होता है? रिवाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइज? रिवाइज का अर्थ क्या होता है? कम ऑन, तो रिवाइज का जो अर्थ होता है वो होता है रिकंसीडर, किसी चीज को फिर से समझना, किसी चीज को फिर से समझ करके आगे को बढ़ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवाइज बोलते हैं गाइज, ठीक है। तो ये आपका रिवाइज होता है। देखिए रिवाइज, रिवाइज इट है ना, तो इमेज से भी चीजें क्या होती हैं, बहुत कुछ समझ में आ जाती हैं। जैसे सर आई एम गोइंग टू रिवाइज इट है ना, व्हाट आर यू रिवाइजिंग, प्लीज रिवाइज इट फास्ट एंड प्लीज रिकंसीडर दिस मैटर, ठीक है। तो रिकंसीडर का मतलब हो गया कि हमने इस चीज को फिर से कंसिडर किया। तो गाइस आज का कैसा ये एफर्ट रहा वर्ड पावर, फिर मैं आगे और बढ़ता हूँ और ढेर सारी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो दिन पर दिन और बेहतर हो जाए, ठीक है। ओके ऑलराइट, चलिए हम लोग कुछ और वर्ड्स को कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे और बाकी के अभी और कराने हैं, तो आप फटाफट एक आंसर को फटाफट टाइप करके सेंड करिए, जल्दी से फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी एवरीवन, जल्दी करिए, आई एम वेटिंग योर आंसर, ठीक है। चलिए ओके, नाउ वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है। तो अब देखिए मैंने 55 तक का क्वेश्चन करा दिया था, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बताने हैं कि शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डेज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थोड़ा नीचे है, डज होगा, डू होगा, इज होगा, हैज होगा, बहुत बेसिक बहुत सिंपल। तो हर बच्चा दौड़ते हुए बता देगा कि सर एकदम इजी आंसर है, मैं बता लूंगा, क्योंकि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका वेट अ मिनट, वो आपका डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डज इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, डज शी गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, तो आपने क्या ऑप्शन डाल दिया? डज सी। अब देखिए इफ इट रेन्स द कॉलेज क्या हो जाएगा? विल क्लोज। इस क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चा बहुत आसानी से दे लेगा, कोशिश करिए बच्चों, बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई एम वेरी श्योर आप प्रयास करेंगे तो जरूर कर लेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी करिए, कोशिश करिए तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए डेफिनेटली एकदम सिंपल सी बात है, आप यहां पे बी ऑप्शन लिख लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, ठीक है, द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, ठीक है। तो यहां पे बी लगेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ही दिल्ली 2020, तो क्या होगा? देखिए ऑप्शन नीचे है, तो has left, was left, had left, क्या होगा? प्लस प्रश्न को देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि he Delhi in 2010, तो क्या हो जाएगा? he left हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा left, ठीक है, he left for Delhi या he left for Delhi in 2010, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, he a line across the page, क्या होगा? ड्राइंग होगा, ड्रॉन होगा, ड्र्यू होगा, क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके हाई कोर्ट में बहुत टफ टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। कम ऑन एवरीबॉडी, तो डेफिनेटली ही ड्र्यू हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? आप यहां ड्र्यू रख करके एक बार आंसर को सेंड करिए फटाफट, एक बार ड्र्यू को रख करके आंसर को सेंड करिए प्लीज एंड प्लीज, आंसर को रख करके फटाफट इसको सेंड करिए। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव नॉट द टैग,
अब देखिए ऑप्शन क्या है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी है, सीन है, बीन है, गॉन है। देखिए सारे ऑप्शन आराम से देख लीजिए। आई हैव नॉट सी होगा तो बेटा सीन होगा कि बिन सीन होगा, तो कमान एवरीवन, तो जो सही होगा आई हैव नॉट सीन, है ना। आप क्वेश्चन में आप इंसर्ट करके देख लीजिए, तो अगर आपने लिख दिया कि आई हैव नॉट सीन द टैग, आई हैव नॉट सीन द टैग, आई हैव नॉट सीन द टैग, ठीक है, कमान। तो अब बताइए वन ऑफ माय फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने कई बार कराया, कम से कम 200 बार मैंने कराया होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में, 100% आते हैं। कम ऑन एवरीवन, आई हैव नॉट सीन, है ना, उसके बाद क्या हुआ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा। देखिए वन ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको कई बार, वन ऑफ का मतलब होता है, जैसे मैंने किया वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है कि मेरे मित्र तो बहुत हैं, मेरे कहने को मित्र 200 हैं, क्या है, लेकिन एक की बात यहां हो रही है, केवल एक ही, वन ऑफ माय फ्रेंड्स गोइंग टू अमेरिका, मेरे बहुत सारे मित्र हैं लेकिन उनमें से एक अमेरिका जा रहा है, सभी नहीं जा रहे हैं, केवल एक अमेरिका जा रहा है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज, तो आप यहां इज रख करके, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जैसे ही इसे प्लूरल देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि हम इसे क्या लिख दे, सिंपल सा आंसर आर लगा देते हैं, यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे अक्सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, तो ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए और ऑप्शन भी समझ लीजिए, वुड होगा, कुड होगा, कैन होगा, शुड होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता लीजिए, क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए कि आई लाइक रीड दिस, तो क्या हो जाएगा, कम ऑन एवरीवन, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से आप बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सिंपली वुड होगा, जब आप इस वुड को वहां रखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि सर वुड होगा कि नहीं। देखिए देखिए मैंने लिख दिया कि आई डब्ल्यू ओ यू एल डी, आई वुड लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, है, जैसे वुड का प्रयोग कहां होता है, जैसे जब हम अंदर से इच्छा होती है, जैसे आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई वुड लाइक टू डांस, आई वुड लाइक टू मीट माय फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इंटरैक्ट विद माय फ्रेंड्स, तो ये होता है वुड का मतलब होता है जब हमारी आंतरिक इच्छा उत्पन्न होती है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यू सी अ डॉक्टर, ठीक है, तो यहां क्या होगा, वुड होगा, शुड होगा, नीड होगा, क्या होगा, तो यू सी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, तो यहां हम अगर शुड लगाएंगे तो मैंने लिख दिया कि यू शुड सी अ डॉक्टर, यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है, यू शुड सी अ डॉक्टर। अभी कमाल का बात, सी का मतलब क्या होता है, देखना भी होता है, जब डॉक्टर कहेंगे कि मैं मरीज देखने जा रहा हूं तो उनके आई एम गोइंग टू सी द पेशेंट्स, तो इसका मतलब वो देखने जा रहे हैं, और एस डबल ई का मतलब होता है दिखाना होता है, जब पेशेंट कहेगा तो ये होगा कि वह मरीज अपने आप को दिखाने जा रहा है, दोनों का अर्थ आप समझ सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है, तो सी का मतलब देखना और सी का मतलब दिखाना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर बी elections एवरी 5 years, तो ऑप्शन आप देख लीजिए क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, यूज टू वुड शैल नीड क्या होगा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा शैल, एस एच ए डबल एल, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी elections एवरी 5 years, है ना, तो वहां पे आगे की संभावनाएं, भविष्य की बातें हो रही हैं, हर 5 साल पर इलेक्शंस होगा, तो वहां पे हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें होगा ही होगा और उसमें कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन आप बताने की कोशिश करिए, यू लेंड मी योर नोट्स प्लीज, तो मे कैन शुड क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट क्या हो सकता है ना, मे का हम प्रयोग पोलाइट में भी यूज करते हैं लेकिन प्लीज ऑलरेडी लगा ही है, तो
तो आप क्या लगाएंगे, मे यू लेंड मी योर नोट्स प्लीज, है ना। तो चूंकि अपना ही नोट्स मांग रहे हैं तो आप कह सकते हैं कैन यू लेंड मी, आप यहां कैन का प्रयोग करते हैं, कैन यू लेंड मी योर नोट्स प्लीज, ठीक है। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कैंडिडेट्स शुड हैव देयर आइडेंटिटी कार्ड बिफोर कंटेनिंग द एग्जामिनेशन एंट्री द एग्जामिनेशन। तो देखिए पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर आंसर को देखिए, ठीक है, आराम से देखिए। ये आपका क्वेश्चन है कि कैंडिडेट्स शो देयर आइडेंटिटी कार्ड बिफोर एंट्री इन द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स शो देयर आइडेंटिटी कार्ड बिफोर एंट्री द एग्जामिनेशन। तो आप देखिए इसमें आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए, आर होगा, आर्ट होगा, मस्ट होगा, नीड होगा। तो डेफिनेटली जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा मस्ट का। अब आप इसको एंटर करके भी देख लीजिए, ठीक है, मस्ट होगा, मस्ट। तो कैंडिडेट्स मस्ट शो, भाई कैंडिडेट जब तक आई कार्ड नहीं दिखाएगा, अपना एडमिट कार्ड नहीं दिखाएगा, उसे अंदर तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स मस्ट शो देयर आइडेंटिटी कार्ड बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन। तो सही आसन आप रखने के बाद एकदम समझ में आ जाएगा। Since one cannot read every book, one should be content with making a selection. क्या होगा, स्टैंडर्ड, सैंपल, मॉडरेट, बताइए। जब हम इस वर्ड को रखेंगे जूडिशियस को, तो देख के रखिए, समझिए, JUDI, जूडिशियस। जूडिशियस माने होता है किसी चीज के लिए जांच पर की क्षमता होना, समझ बूझ करके, जुडिशियली समझ करके। तो सिंस द वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, जैसा कि हर व्यक्ति हर किताब नहीं पढ़ सकता, है ना, वन शुड बी कंटेंट विथ मेकिंग अ जुडिशियस सिलेक्शन। तो एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से अपनी सूझ बूझ के साथ उसका सिलेक्शन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सम पीपल देमसेल्फ इनटू, है ना, बिलीविंग दैट दे आर indispensable the organization they work। तो ऑप्शन क्या होगा, फूल होगा, डेल्यूड होगा, फोर्स होगा, बताइए। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, सम पीपल themselves इन द बिलीविंग दैट दे आर indispensable the organization, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा गाइज वो डेल्यूड होगा, ठीक है। डेल्यूड माने होता है किसी चीज को समझ करके कंक्लूजन निकाल लेना। तो जब आप इसको डेल्यूड को रख देंगे क्वेश्चन में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। किसी चीज को समझ करके उसका परिणाम निकाल लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। Into believing that they are indispensable to the organization they work for, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, it was that a mind so pure and searching would miss this truth. Possibly, unlikely, scarcely likely. तो it was क्या हो जाएगा, possibly, unlikely, तो it was unlikely that a mind so pure and searching could miss the truth. तो unlikely आप अगर यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा unlikely, ठीक है, unlikely। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, the soldiers were instructed to restrain and handle the situation peacefully. The soldiers were instructed to control, remain, enforce. क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको मिली गया the soldiers were instructed. Wait a minute. तो soldiers were instructed to control, क्योंकि इनको instruct किया गया था जिससे वो control करें situation को, जिससे समस्याएं ज्यादा विकराल ना होने पाए। अगला क्वेश्चन है, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द अनरूली बिहेवियर ऑफ सोल्जर्स, कम ऑन एवरीवन, राइट आंसर बताइए। इनसेंस्ड होता है, इनसेंस माने होता है बढ़ावा देना, उकसा देना। तो क्या अगर हम इस वर्ड को रख देंगे इनसेंस्ड, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स इनसेंस्ड द कमांडर, मतलब गुस्साया, नाराज होने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैट्रियोटिज्म लाइक मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस इम्परफेक्ट वर्ड इज अ, क्या है, इंटेंगल, टेंगल, कॉम्प्लिकेटेड, क्या हो जाएगा, इंट्रिकेट। तो राइट आंसर विल बी इंटेंगल होगा, ठीक है। इंटेंगल रखेंगे तो आपको अपने आप चीजें उसका समझ में आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि व्हाट दे से, बहुत अच्छा है, एक ही व्यक्ति की बात है, इसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, व्यक्ति एक ही है तो डेफिनेटली क्या होगा, डू नॉट, डज नॉट, नॉट, नन, तो डेफिनेटली राइट आंसर होगा डज नॉट, वेट आंसर, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, एक सेंटेंस को पढ़िए, व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज नॉट, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डज तो है ही ऑलरेडी, है ना, व्हाट ही डज, है ना, डज नॉट अग्री, यहां पे कॉमा लग जाएगा, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत सिंपल है, 6 times 3, 6 times 3 is, is होगा कि आर होगा, is equal, equals, 6 times 3 is equal 8, 18, तो यहां पे अगर देखिए 2 तो लगा नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर होगा 6 times 3 equals, तो ये वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल हो जाएगा तो हो जाएगा equals, है ना, 18, अगर 2 होता 6 times 3 is 18, तो 6 times 3 equals 18, है ना, ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इसमें क्या होगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो होता है इसमें हम क्या लगाएंगे, वन हेल्थ वाइल, है ना, रीडिंग बुक्स मेक्स अ वाइज मैन, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स एंड गेम्स है तो मेक हो जाएगा, दो चीजें हैं, आप इसमें मेक रख करके आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, 50 माइल्स अलोंग वे, तो डेफिनेटली आंसर आप लगा दीजिए इज, 50 माइल्स इज अ लॉन्ग जर्नी, इज अ लॉन्ग वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम इज वन ऑफ द बॉयज, टॉम इज वन ऑफ द बॉयज ऑलवेज ऑन टाइम, तो टॉम की बात अगर हम करें तो यहां आर होगा, क्यों आर होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर नाउन प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद भी क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा, ये दिस इज अ रूल, ठीक है, जिसे आपको समझना होगा, तो आप देखिए ऑलवेज तो यहां पे आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पर्सन वर्क इन द एक्सीडेंट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए आप बताइए, फिर आई विल टेल यू, तो ध्यान दीजिएगा, सम पर्संस were killed, तो डेफिनेटली आप यहां सम रख करके देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट सेंस देगा कि सम पर्संस वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है। इज देयर वाटर इन द जग, एकदम सिंपल है, तो नेगेटिव सेंस में या इंटरोगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में क्या होता है, इज देयर एनी वाटर इन द जग, तो यहां पे हो जाएगा एनी का प्रयोग होगा। ही एट ब्रेड, तो क्या हो जाएगा, ही एट लिटिल, a few, a nothing, that, तो eat, actually bread क्या है, हम table में use करते हैं, तो he ate little bread, तो हम आप यहाँ पे क्या रखेंगे, little रखेंगे, ठीक है। तो guys आज हमने जो question किया, I think near about 15 and in that slide and near about I hope so 55 and 30 to 35 question मैंने इसमें discuss किया, तो आई होप सो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए, दो बार करिए, समझिए, लिख जाइए। तो गाइस जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक द वीडियो, एंड प्लीज शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स नियर डियर एंड स्वीट हार्ट वन, आपके जो दोस्त यार मित्र हैं उनके पास आप लिंक सेंड करेंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी, गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल, थैंक यू वेरी मच।